नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरीन एकेडमी और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपलसरी इंग्लिश जनरल के लिए सेकंड ईयर। तो पहला चैप्टर जो कि है हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड एमके गांधी द्वारा, ये हम आज करेंगे। पहले में हम लोग ने दिखाया था, पहले वीडियो में हम लोग ने दिखाया था कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितना चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग ने दिखाया था। लेकिन इस बार हम पहला चैप्टर है समरी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डील करेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। एम के गांधी द्वारा लिखा गया हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड में कुछ नहीं है, सिंपल सा है समरी। इसमें ये है कि एम के गांधी जो है अपना लॉ का प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पर उनका मुलाकात रुस्तम जी से हुआ। रुस्तम फारसी नाम था उनका, तो रुस्तम फारसी जो थे वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। साउथ अफ्रीका में ये गांधी जी उनका क्लाइंट भी था और कोवर्कर भी था। कोवर्कर मतलब साथ में काम करते थे कभी कभी, और क्लाइंट भी था यानी वकील थे ना गांधी जी, तो उनका क्लाइंट भी था ये। गांधी जी एक तरीके से रुस्तम जी के काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। गांधी जी इतने घनिष्ठ दोस्त हो गए थे रुस्तम जी के कि रुस्तम जी अपना दिल का हर बात कहते थे गांधी जी से, सिवाय एक बात के कि वो स्मगलिंग करते थे। खैर उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट में है कि रुस्तम जी का बहुत बड़ा बिजनेस था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन वो साथ में स्मगलिंग भी करते थे। तो वो इंपोर्ट करते थे बॉम्बे और कलकत्ता से स्मगलिंग का सामान, ठीक है। लेकिन वो हर दर बच जाते थे, मतलब हर दम या हर वक्त बच जाते थे, क्योंकि कस्टम ऑफिसर जो थे या कस्टम ऑफिसर जिसे कह सकते हैं, कस्टम ऑफिस में काम करने वाले, ठीक है, तो वो लोग उनके जान पहचान वाले थे, इसलिए उनको कुछ पकड़ते उगड़ते नहीं थे। लेकिन एक दिन भैया वो पकड़े गए। अब वो क्या करने वाले थे, दौड़ के गए गांधी जी के पास। गांधी जी से अपना सारा दिल का बात बोला कि मैं स्मगलिंग करता था, स्मगलिंग करते समय मैं बच जाता था, लेकिन इस बार नहीं बचा, तो प्लीज मुझे बचाइए। गांधी जी ने साफ साफ बोला रुस्तम जी को, देखो कि मैं बचाने वाला कोई नहीं, मैं बस ट्राई कर सकता हूँ, बचाने वाला वो ऊपर वाला है, अगर वो चाहे तो बचा सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने गुनाहों का कबूल करना होगा। तुम जो भी गुनाह किया है उसको कबूल करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगा, वरना नहीं। और साथ ही साथ तुम जेल में जाने के लिए तैयार भी हो जाओ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है बचाना, ठीक है। रुस्तम जी गांधी जी के बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए, एक तरीके से पछताए भी कि क्यों कर रहा था मैं, बहरहाल जो भी है। लेकिन रुस्तम जी के जो पुराने वकील थे उन्होंने कहा कि देखो आपको कोई गुनाह उना कबूल करना नहीं होगा, अगर आप कबूल कर लिए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम केस लड़ेंगे कोर्ट में और जीतेंगे, आपको कुछ करना नहीं होगा। लेकिन रुस्तम जी ने अपने पुराने वकील की बात नहीं मानी, उन्होंने गांधी जी का बात ही माना और गांधी जी के बात मानकर उन्हें कबूल किया अपना गुनाह। गांधी जी ने भी उसका साथ देते हुए उसका केस आगे ले गया। गांधी जी का मानना था कि कोर्ट तक ना पहुंचे ये केस, बीच में ही रफा दफा हो जाए, इसलिए वो कस्टम ऑफिसर से मिले, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल के साथ भी मिले, दोनों के साथ बातचीत की। अटॉर्नी जनरल काफ़ी प्रभावित हुए गांधी जी की बात सुनकर, बहुत ही फ्रैंकली थे वे, बहुत ही साफ सुथरा बोलने वाले थे, बहुत ही भद्र थे, ठीक है।
इसलिए बहुत ही प्रसन्न हुए उनकी बात सुनकर, और लास्ट में वो मान गए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल कह रहा कि मैं उसे छोड़ूंगा, लेकिन उसको कंपनसेशन तो देना होगा। कंपनसेशन ये है कि उसने जितना भी स्मगलिंग से कमाया उसका उसे डबल देना होगा, तभी मैं छोड़ूंगा। एट लास्ट रुस्तम जी को तो छूटना था, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल का बात मान लिया और एट लास्ट गांधी जी ने रुस्तम जी को बचा लिया, क्योंकि रुस्तम जी ने अटॉर्नी जनरल का बात मान लिया था। ठीक है, यहाँ पर एक बात था कि गांधी जी ने अटॉर्नी जनरल को पहले लेटर लिखा था, फिर उसके साथ मुलाकात हुआ। ठीक है, यहाँ तक ही है स्टोरी, यहाँ तक ही समरी है और कुछ नहीं है समरी में। ठीक है, समझ में आया ना सबको? अगर समझ में आया तो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट भी कीजिए अगर कुछ समझ में ना आया हो तो।